हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो सुचर मटेरियल है उसके क्लासिफिकेशन की। अलग अलग तरीके से हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। दो मेथड्स हम देखेंगे जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, कैसे हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, दो तरीके से हम समझेंगे, याद करेंगे। इसके पहले वीडियो बनाया हुआ है सूचरिंग टेक्निक के प्रिंसिपल्स पर, क्या क्या हमें ध्यान रखने, क्या प्रिंसिपल्स होते हैं सूचरिंग के, उसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है। आप वो वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक से बाद में देख सकते हैं, या अभी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के ऊपर एक सजेशन आ जाएगा, आई बटन आ जाएगा, उसमें क्लिक करके आप पहले प्रिंसिपल्स वाला वीडियो देख सकते हैं। इसमें हम इसके क्लासिफिकेशन देखेंगे सूचर्स के, तो वीडियो को लास्ट तक आपको ज़रूर देखना है। अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेड बटन को क्लिक करके, और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ डॉक्टर हरिशंकर सोनी और आप देख रहे हैं इजी डेंटिस्ट्री। तो हम समझ रहे हैं आज सूचर मटेरियल का क्लासिफिकेशन। तो सबसे ज़्यादा जो ब्रॉडली इसको क्लासिफाई किया जाता है दो तरीके से, एब्जॉर्बेबल और नॉन एब्जॉर्बेबल। एब्जॉर्बेबल वो है जो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, जो बॉडी एंजाइम्स हैं वो डाइजेस्ट कर लेते हैं सूचर को कुछ समय के बाद, वो एब्जॉर्बेबल है, इनको निकालने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्लिनिकली। और जो नॉन एब्जॉर्बेबल है, नाम से ही पता चलता है ये एब्जॉर्ब नहीं होंगे, जो हमारे एंजाइम्स होते हैं बॉडी के वो इसे डाइजेस्ट नहीं कर सकते, इसे हमें रिमूव करना पड़ता है एक समय के बाद, इसे आपको निकालना होगा टाइम पीरियड के बाद। तो जनरली दो टाइप से, एब्जॉर्बेबल और नॉन एब्जॉर्बेबल। अब जो एब्जॉर्बेबल है उसको हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, एक तो नेचुरली जो है नेचुरल एब्जॉर्बेबल मटेरियल, और एक है सिंथेटिक एब्जॉर्बेबल मटेरियल। तो दो तरीके से हमने इनको क्लासिफाई किया, एब्जॉर्बेबल को नेचुरल और सिंथेटिक, से वहाँ पर भी हम करेंगे, इसका एग्जांपल भी हम यही देखते जाते हैं। तो एब्जॉर्बेबल में नेचुरल और सिंथेटिक। नेचुरल में कोलेजन एग्जांपल के लिए हम समझ लेते हैं, और सिंथेटिक में मोनोक्रिल, एल ने लिखा हुआ मोनोक्रिल, और वाइक्रिल भी जो आता है, ये सब सिंथेटिक में। इसके बाद नॉन एब्जॉर्बेबल। नॉन एब्जॉर्बेबल में सेम इजी है, नेचुरल सिंथेटिक और मेटेलिक इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। ऐसे ही हम समझ सकते हैं, जो मेटल है वो वैसे ही एब्जॉर्बेबल नहीं हो सकता। तो नेचुरल में जो एग्जांपल है सिल्क, सर्जिकल सिल्क जो हम यूज़ करते हैं वो होता है। इसके बाद सिंथेटिक आप देखेंगे तो उसमें प्रोलीन आप याद रख सकते हैं, और जो मेटेलिक है उसमें सर्जिकल स्टील या जो स्टेनलेस स्टील होता है। तो सिंपल क्लासिफिकेशन है, सबसे ब्रॉडली जो यूज़ होता है वो क्लासिफिकेशन है आपको समझना है, एब्जॉर्बेबल और नॉन एब्जॉर्बेबल वाला देख लीजिए आप। इसके बाद जो नीचे लिखा हुआ इसको भी अभी हम समझते हैं, इसको हम एक तरीके से और क्लासिफाई कर सकते हैं, मोनोफिलामेंट और मल्टीफिलामेंट, फिलामेंट के अकॉर्डिंग। मतलब कि जो हमारा स्ट्रैंड है, जो हमारा सूचर है उसमें कितने स्ट्रैंड हैं, एक स्ट्रैंड है, सिंगल स्ट्रैंड का हमारा सूचर है तो उसको हम मोनोफिलामेंट बोलेंगे। अगर दो चार स्ट्रैंड है, मतलब ज़्यादा स्ट्रैंड है और वो ट्विस्टेड है या फिर ब्रेडेड है एक दूसरे के ऊपर, तो उसको हम बोलते हैं मल्टीफिलामेंट। तो ये इजी है समझने में, सिंगल स्ट्रैंड का हमारा सूचर होगा तो उसको हम मोनोफिलामेंट कहेंगे। अगर तीन चार स्ट्रैंड उसमें मिले हुए हैं जो आपने देखा होगा ऐसे ब्रेडेड जो होते हैं, इसको आप मल्टीफिलामेंट सूचर कहते हैं। अब हम समझ लेते हैं इसको भी, एब्जॉर्बेबल और नॉन एब्जॉर्बेबल ये भी होते हैं। इसमें एब्जॉर्बेबल में कौन से मोनोफिलामेंट्स हैं और कौन से मल्टीफिलामेंट्स हैं अभी हम देखते हैं, वैसे ही नॉन एब्जॉर्बेबल में भी अभी हम देखते हैं इसको। इसके पहले मैं आपको मोनोफिलामेंट और मल्टीफिलामेंट का थोड़ा सा एडवांटेज डिसएडवांटेज बता देता हूं ताकि आपके लिए क्लियर रहे। तो जो मोनोफिलामेंट है उसका एडवांटेज ये है कि सिंगल स्ट्रैंड होता है तो इसमें जो बैक्टीरियाज हैं वो कॉलोनी नहीं बना पाते, ग्रो नहीं कर पाते। और इसका डिसएडवांटेज देखेंगे तो इसको आपको जब आप यूज़ कर रहे हैं तो केयरफुली आपको यूज़ करना है, टूटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं तो इसको केयरफुली आपको यूज़ करना होता है। इसके बाद मल्टीफिलामेंट में टूटने के चांसेस कम होते हैं क्योंकि फिलामेंट्स ज़्यादा हैं, मजबूती ज़्यादा है, लेकिन इसमें जो ब्रेडेड होते हैं या फिर जो ट्विस्टेड होते हैं स्ट्रैंड उसमें बैक्टीरियल कॉलोनी बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ट्विस्टेड में चांसेस ज़्यादा होते हैं इन्फेक्शन के, अगर इन्फेक्शन वाली जगह है चांसेस ज़्यादा है इन्फेक्शन के तो वहाँ हम मोनोफिलामेंट यूज़ करेंगे, और नहीं तो हमें जहाँ मजबूती चाहिए डीप टिश्यू को हमें कनेक्ट करना है तो हम फिर मल्टीफिलामेंट का यूज़ करते हैं। तो मोनोफिलामेंट और मल्टीफिलामेंट आपको समझ में आ गया, अब हम इसके एग्जांपल देख लेते हैं। तो एब्जॉर्बेबल में मोनोफिलामेंट कौन कौन से हैं, सर्जिकल गट, कोलेजन,
मोनोक्रिल, पॉलीगैलेक्टिन। पॉलीगैलेक्टिन में 9, 10 जो इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं, तो आप देख लीजिए, याद कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। सर्जिकल गट, कोलेजन, मोनोक्रिल, पॉलीगैलेक्टिन। इसके बाद एब्जॉर्बेबल में ही मल्टीफिलामेंट जो ब्रेडेड होते हैं, ट्विस्टेड होते हैं, पॉलीग्लाइकोलिक एसिड और पॉलीगैलेक्टिन। अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया पॉलीगैलेक्टिन 9, 10, ऐसे ही नीचे पॉलीगैलेक्टिन। अब नॉन एब्जॉर्बेबल में देख लेते हैं, तो नॉन एब्जॉर्बेबल में मोनोफिलामेंट, पॉलीएमाइड, इसके बाद पॉलीप्रोलिन, ये मोनोफिलामेंट है नॉन एब्जॉर्बेबल में, और स्टेनलेस स्टील जैसे हमने ऊपर देखा, या फिर सर्जिकल स्टील इसको हम बोल सकते हैं। अब नॉन एब्जॉर्बेबल में ही मल्टीफिलामेंट ट्विस्टेड ब्रेडेड जो होंगे, इसमें सर्जिकल सिल्क, सर्जिकल लिनेन, कॉटन और पॉलीएमाइड ब्रेडेड। यहाँ भी पॉलीएमाइड है, यहाँ भी पॉलीएमाइड है, यहाँ सिंगल स्ट्रैंड, यहाँ पर ब्रेडेड। तो ये दो टाइप के क्लासिफिकेशन आप इनको बोल सकते हैं, एक एब्जॉर्बेबल नॉन एब्जॉर्बेबल, और मल्टीफिलामेंट और मोनोफिलामेंट के अकॉर्डिंग भी हमने इसको समझ लिया, और उसमें भी हमने एब्जॉर्बेबल और नॉन एब्जॉर्बेबल दोनों देख लिया। एक साथ भी आप याद कर सकते हैं, अगर एग्जाम में लिखना चाहते हैं तो ऐसे एक साथ भी आप इसको लिख सकते हैं। इसके अलावा भी क्लासिफिकेशंस होते हैं, जैसे जो डायमीटर है उसके अकॉर्डिंग भी होता है, 10, 20 ऐसे 10 तक होते हैं। जो थिकनेस है, डायमीटर है स्ट्रैंड का, उसके अकॉर्डिंग भी क्लासिफिकेशन होते हैं। जनरली अभी हमने ये देखा, आगे और किसी वीडियो में उसको हम समझेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, होपफुली आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा वीडियो। अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने ग्रुप में शेयर कर दें, और कमेंट सेक्शन में आकर बताएं और किन टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं। और आप चाहें तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फ्रेंड्स।